जो प्रदूषण फैल रहा है एक कारण वो भी है। निसंदेह तो नहीं उठाएंगे, पहले भी उठी, हमने कई बार जंतर मंतर पर धरने दिए हैं, प्रदर्शन किए हैं। हाँ देखो भाई, हमारी हमारा अधिकार आप तक बात पहुंचा सकते हैं, हम किसी की गर्दन नहीं पकड़ सकते, क्योंकि हम 147 वाले नहीं हैं, हम माला वाले हैं, भाला वाले नहीं है। आ सकते पड़ेगी तुम्हारे चर्च ने हाई कोर्ट में बयान दिया है और उन्होंने हजारों लड़कियों का विवरण दिया है, कैथोलिक चर्च के द्वारा मामला उठाने के बाद केरला हाईकोर्ट ने लव जिहाद शब्द दिया। ये लव जिहाद शब्द किसी संगठन का बनाया हुआ नहीं है, केरल के हाईकोर्ट ने दिया है। ये शब्द पूरे देश में जितनी घटनाएं हुई हैं उससे अधिक घटनाएं केवल केरला में एक एक साल में हुई है, ऐसा केरला हाईकोर्ट का रिपोर्ट। केरला हाईकोर्ट ने होम मिनिस्ट्री को, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री और स्टेट होम मिनिस्ट्री को भी ऑर्डर दिया कि हर एक थाने से रिपोर्ट मंगाकर कितनी लड़कियां मिसिंग हैं और उनके जो जांच रिपोर्ट आगे बढ़ी है, अगर अगर चार्जशीट दायर हुआ है या पुलिस का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट केस डायरी दायर हुई है तो वो सौंपे कोर्ट से, कोर्ट ने सेंट्रल मंगाया। तो आपने मुस्लिम बात किया, मेरे पास कई सारे ऐसे एग्जाम्पल है, मैं सिंधी हूँ, हमारी सारी सिंधी कम्युनिटी उल्हासनगर और बॉम्बे में उनको सिंधी से कन्वर्ट करके क्रिश्चियंस बनाया जा रहा है, तो आप लोग वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। देखिए माननीय ठीक है, लेकिन क्रिश्चियंस का भी बहुत बड़ा इशू है, पैसा देके उनको धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है बनवासी गिरवासी क्षेत्र में। सर एक मैं अपनी बात खत्म कर दूं, ये तो एक उनका एक पर्सनल मैटर है, हमारी पूरी हमदर्दी इनके साथ है, सबकी है, होनी भी चाहिए, सब हम भी मीडिया वाले भी माँ बाप नहीं, मेरी आवाज जाएगी, सब माँ बाप है, हमदर्दी है, लेकिन इस इशू को आप इस इशू को लेके ये तो एक एग्जाम्पल है, आप लोग अब आगे क्या कार्रवाई करेंगे? जो तो आपने इस केस में कहा कि हम एक महीना टाइम दे रहे हैं, क्यों एक महीना टाइम दे रहे हैं? आप अपनी कार्रवाई इमीडिएट शुरू करिए, क्योंकि सिर्फ अच्छा चतुर्मास छोड़ दीजिए, चलो चतुर्मास खत्म, लेकिन ये समस्या सिर्फ एक इनकी नहीं है सर, और भी कई जातियां धर्म परिवर्तन करा रही है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया क्रिश्चियंस का, तो आप इसका नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे? मैंने तो आपको निवेदन किया ना, पूरे देश में क्रिश्चियन के द्वारा इस्लाम के द्वारा चल रहा है, परंतु दो अंतर हैं, क्रिश्चियन लोग सेवा का आडंबर करके कर रहे हैं, ये तलवार से बल पे कर रहे हैं, दोनों में थोड़ा सा अंतर पर है, तो जहर है, चाहे सोने के बर्तन में पियो चाहे मिट्टी के बर्तन में पियो, दोनों ही मारेंगे। मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूँ, देव उत्थान एकादशी से पहले पहले चातुर्मास से पहले भी हम चतुर्थान के सोने वाले नहीं है, हम तुरंत प्रयास करेंगे कि देश के गृहमंत्री और प्रधानमंत्री से मिले और उनको कहें कि देश में समान नागरिकता होना चाहिए और धर्मांतरण पर कठोर बिल, खाली बिल नहीं, कठोर बिल होना चाहिए कि किसी भी स्थिति में किसी का जो जिस जन्म कुल में जिस परंपरा में पैदा हुआ है उसी में उसकी मृत्यु हो, ऐसा कोई कानून देश में बने, उसके लिए हमें आपका साथ चाहिए, आपका सानिध्य चाहिए, क्योंकि आपके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, आप हमारे सहयोगी बने, हम हर तरह से लड़ने को, क्योंकि हमारा काम समाज के लिए भैया, हम हर तरह के लिए काम करने के लिए तैयार हैं और मैं प्रयास करूंगा जल्दी देश के गृहमंत्री प्रधानमंत्री से मिलने के। धर्म परिवर्तन क्या धर्म परिवर्तन ऑफिशियली नहीं होता, कोई लोग स्वेच्छा से भी तो करते हैं। नहीं साहब क्षमा करना, नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं निवेदन कर रहा हूँ, सुनिए, वो स्वेच्छा जो होती है वो परिस्थिति के कारण होती है, केवल दिखाई जाती है, नाटक होता है सर, एक बाले दबाव होता है, एक बाले का आदमी नाटक नहीं करा, नहीं साहब मैं आज अगर धर्म परिवर्तन करता हूँ तो मैं अपने होश समा कीजिए, कई परिस्थितियां होती है जो कई प्रकट कभी अप्रकट, कोई व्यक्ति अपनी आस्था को नहीं छोड़ना चाहता, उसमें निसंदेह निसंदेह कुछ प्रकट कुछ अप्रकट परिस्थितियां होती हैं और ऐसा परिस्थिति में व्यक्ति फंसाया जाता है, को बेबस हो जाता है, ऐसा है। मैं आपसे कहूं, अगर हृदय परिवर्तन के साथ बिना किसी बाह्य प्रलोभन के अगर कोई ऐसा निर्णय करता है उसमें हमारा कोई विरोध नहीं है, किंतु जहां पर भय और प्रलोभन, चाहे बंदूक की नोक का भय हो और चाहे रुपए और डॉलर का प्रलोभन हो या और किसी तरह का प्रलोभन हो, इस प्रकार के भय और प्रलोभन के साथ जहां भी धर्मांतरण होता है इसके विरुद्ध हम सर्वसम्मति से भारत सरकार से मांग कर रहे हैं, इस प्रकार के धर्मांतरण के विरुद्ध में कठोर कानून ला करके उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। दूसरे में ये लव जिहाद जैसी घटनाओं का जहां भी सामने आए प्रकरण उसकी अति शीघ्र
उसकी जांच करा करके दोषी व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और धर्माचार्य जब आज एक मंच पर एकत्रित हुए हैं, भारत सरकार से साथ साथ ये भी मांग करते हैं कि जिस तरह से जनसंख्या का आबादी का विस्फोट हो रहा है, इस पर भी लगाम लगनी चाहिए, वरना हमारी सारी योजनाएं ऊंट के मुंह में जीरा साबित होगी और हमारा देश आगे विकास उस गति से नहीं कर पाएगा। धन्यवाद। आप सब यहाँ पर बता रहे हैं। मेरा नाम अशोक जैन, धमतरी छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरी बेटी का विषय है जिसका लव जिहाद का मैटर चला था, लेकिन सभी जगह सभी कोर्ट में मेरी बेटी ने बयान दिया, माता पिता के साथ रहना है। पिछले वर्ष 27 अगस्त 2018 को जब जस्टिस दीपक मिश्रा जी चीफ जस्टिस थे, लड़की ने बयान दिया और उसका सकुशल मेरे साथ रह रही थी। नई सरकार बनने के बाद जो आरोपी है इब्राहिम सिद्दीकी, जिसको जेल के अंदर होना चाहिए, अपने रसूखदार व्यक्ति जो कि काम कुछ भी नहीं करता, लेकिन फंडिंग कहाँ से हो रही है, बहुत जांच का विषय है, जिसमें मैंने शिकायत हर जगह की है। उस आदमी के इशारे में पूरा शासन चल रहा है, छत्तीसगढ़ शासन, प्रशासन, पुलिस, सब। तो वो शासन प्रशासन में क्या कोई उसकी जिम्मेदारी है उसके ऊपर? उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, ये सिर्फ अपने पैसे के दम पे कर रहा है, पैसे की फंडिंग बाहर से हो रही है। नहीं तो ऐसे बताइए, पुलिस किसी आदमी आरोपी का क्यों साथ देगी? बहुत उसका बिजनेस क्या है? कोई बिजनेस नहीं, सिर्फ लड़कियों को फंसाना और उसको एक्सपोर्ट करना इसका धंधा है। कई लड़कियों को गायब कर चुका है वो, मेरी लड़की के साथ भी यही करेगा, लेकिन ऊपर वाले की कृपा है, यह लड़की का भाग्य वो ले जा नहीं सका। तो आपकी लड़की आपके साथ रहना चाहती है या नहीं? मेरे साथ ही तो रहना चाहती, जब तो उसने कोर्ट में बयान दिया, जबरदस्ती घर में बंदूक की नोक पे उठाकर लड़की को ले गया है। तो फिर वो अपने वहाँ कैसे है वो, अगर वो तुम्हारे साथ रहना, ये लोग ले जाकर वहाँ रख दिए जबरदस्ती। क्या हुआ क्या था आपकी बेटी के साथ? कुछ भी नहीं हुआ, लड़की के साथ जो हुआ था वो निपट गया था मामला सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद जब आराम से घर में बेडरूम से उसको उठा के घर से ले गई लड़की को, और आज 7 महीने से हम लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है, उसकी दवाइयां सब बंद कर दिया गया है। उस लड़की के साथ क्या अत्याचार हो रहा है समझ से परे है मेरे को। क्या प्रॉब्लम क्या है लड़की को? थोड़ी सी मानसिक रूप से कमजोर थी, और इतने बड़े हादसे से गुजरने के बाद वैसे ही डिप्रेशन में आदमी आ जाता है। उस हादसे से बेचारी धीरे धीरे बाहर आ गई थी, एकदम हंसते खेलते, हमारे यहाँ सब भाइयों को मिला के 8 लड़कियां सबके साथ बढ़िया से रह रही थी। कितनी पढ़ी लिखी? वो बीबीए का कोर्स करी है। अभी कुछ दिन जनवरी में मेरे बड़े भाई की लड़की की शादी हुई, पूरा उसने मंच संचालन से लेकर हर काम खुद किया, गणेश वंदना का डांस से लेकर हर चीज, यानी सी वाज वेरी नॉर्मल। वो जो बंदा है वो क्या, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं है, अनाड़ी है, अपने आप को गुड्डू हिंदू बन के उसने फंसाया था, ये सब बाद में पता चला। आपने कोई कानूनी कार्रवाई करी इसके ऊपर? कानूनी कार्रवाई मेरी 7 पिटीशन लगी हुई है उसके खिलाफ, 420 का मामला लगा हुआ है, उसमें उसको जेल भेजवाया था, उसको सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं जमानत नहीं मिली। पुलिस वालों ने बदमाशी करके 60 दिन में उसका चार्जशीट पेश नहीं किया, गवर्नमेंट का नियम है 61वें दिन उसको जमानत मिल गई, और पुलिस वाले 62वें दिन उसका चालान प्रस्तुत कर मिली भगत का, इससे बड़ा और क्या सबूत दूंगा। क्या आपने उन पुलिस कर्मचारियों के या अधिकारियों के खिलाफ कोई कंप्लेंट दी? सबके खिलाफ मैंने हाईकोर्ट में केस लगा रखा है, लेकिन कोर्ट अपनी गति से चलता है, वहाँ डेट अपने हिसाब से चलती है, पर उस कोर्ट कचहरी का भुगतान मेरी लड़की भुगत रही है। मुझे अभी 2-3 दिन पहले जब रक्षाबंधन के दिन मैं गया था, मेरी 2 लड़की है, छोटी बेटी सुबह से रो रही थी, 1 दिन पहले से बोले पापा मेरे को दीदी से मिलना है, भाई बहन का इमोशनल त्यौहार होता है। मैं उसको बोला देख अपन जाएंगे, मिलने नहीं दिया जाएगा, जिद करके मैं बोला चलो भगवान का नाम लेके जाते हैं। 4:30 बजे दोपहर में पहुंचा, धमतरी से 80 किलोमीटर है रायपुर, वहां जैसे ही हम लोग पहुंचे, दुत्कार के, मेरी वाइफ थी और आर्या मेरी दूसरी छोटी लड़की का नाम, दुत्कार के वहां से भगाया गया। रक्षाबंधन के बाद हम तो गए भी नहीं, हमको मालूम मिलने ही नहीं दिया जाएगा। अभी जब राज्यपाल मैडम को जब हमने जाके कंप्लेन किया, कुछ हमारे और समाज के लोगों ने मेरा साथ दिया, तब दुर्ग की हमारी एक परिचित मित्र है ऋचा मिश्रा, जो रेडियो में SP है, वो और एक समाज सेविका ममता शर्मा, ये लोग सब बीच में आए, बोले भैया चलो हम मिलवाते हैं आपको, हम पुलिस अधिकारी हैं, और एक बेटी से बाप नहीं मिलेगा, जबकि कोर्ट का आदेश है सिर्फ माँ बाप मिल सकते हैं, और हमको नहीं मिलने दिया जा रहा है। जिन लोगों से सुरक्षा दिया गया है, धड़ल्ले से मिल रहे हैं, रात को 12-12 बजे मिल रहे हैं, 2-2 एंड्रॉइड मोबाइल दे दिया गया है, 24 घंटा जिस लड़की का मानसिक दशा ठीक नहीं, उसका ब्रेन वॉश करेंगे, तो आप सोचो क्या स्थिति में पहुंच गई है।
मतलब हम तो ये मैं तो कई बार बोला, एक बार मेरा चेहरा बस दिखा दो, मेरी लड़कियां है कि कहीं और तो नहीं चली गई, कोई सुनवाई। अच्छा आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया था, उसने पहले भी काफी शादियां कर रखी हैं। हाँ, शादी शुदा है पहले से और अपने आप को आर्य समाज में अविवाहित बता के उसने चीटिंग करके शादी की है आपकी बेटी के साथ। हाँ, उसका नहीं, आर्य समाज के साथ चीटिंग किया। मेरी बेटी को तो बोला मैं हिंदू हूँ, बाद में जैन धर्म अपनाऊंगा, ऐसा बेवकूफ बना के उसने किया। आर्य समाज को अविवाहित बोल के सर्टिफिकेट जारी करवाया, उस सर्टिफिकेट को लेके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को उसने चीटिंग किया, ये सब केस लगाया हुआ है। आर्य समाज मंदिर में जहाँ शादी हुई उन्होंने उसके ऊपर 420 का मुकदमा लगाया, नहीं लगाया? आर्य समाज को पुलिस थाने में गवाही के लिए बुलाया गया था, उन्होंने बताया कि जितने दस्तावेज इसने पेश किए हमारे द्वारा बनाए गए नहीं, मतलब झूठे दस्तावेज तैयार किए, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट बनाया, यानी कि जो उसके जाती है उसका मैरिज सर्टिफिकेट है वो भी झूठा है। हाँ, झूठा था, और उसके आधार पे उसने जाके ऑनलाइन में आजकल बन जाता है सर्टिफिकेट, मोहम्मद इब्राहिम के नाम से बना दिया, जबकि आर्य समाज का सर्टिफिकेट आर्यन के नाम से। हाउ इट इज पॉसिबल? तो आपकी लड़की से उसने कितने दिन बाद शादी की? एक्चुअल में मेरी लड़की तो एक सेकंड में ले जा नहीं सका, सिर्फ कागजों में चल रही उसकी शादियाँ, और उसके आधार पे वो दावा कर रहा है। कोर्ट में भी उसका कैंसिलेशन हो चुका है, उसके बाद भी पुलिस उसका साथ दे रही है और जबरदस्ती किसी भी लड़की को उठा के ले जाके सौंप देगी, जिसका मैंने हाई कोर्ट में शिकायत की, हाई कोर्ट से तुरंत स्टे। कोर्ट ने कैंसिलेशन का ऑर्डर दे रखा है। हाँ, मैरिज का बिल्कुल। तो फिर कोर्ट की अवहेलना जो अवहेलना है, अवमानना का केस भी लगा, उसमें कोर्ट कर क्या रहा है? कोर्ट में चल रही सुनवाई, उन्हें दंडित क्यों नहीं कर रहा है? अभी कोर्ट में मैटर लगा हुआ है, पेंडिंग है, चल रहा है और जरूर उसमें एक्शन तो होगा। क्या इसमें पुलिस की मिली भगत हो सकती है? किसकी? पुलिस की। पुलिस की ही तो मिली भगत है, इसमें पूरा केस ही उन्होंने खराब किया है और पुलिस लोगों के कारण ही मेरा केस विलंब हो रहा है। जो कमिश्नर है उससे आप मिले? कमिश्नर, आईजी, डीजीपी सबके पास गया हूँ, सबसे मिली, सबसे मिले, यानी सब उसी की पक्ष में। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप क्या चाह रहे हैं? मैं बस एक बाप अपनी बेटी की लाइफ की सिक्योरिटी चाह रहा हूँ, चाहे जहाँ भी रहे। मैं बोला सखी सेंटर में भी कोई दिक्कत नहीं मेरे को, उसका उचित इलाज उपचार होना चाहिए, बड़े से बड़े अस्पताल में इतनी क्षमता है मेरे में कि मैं उसका बिल पेमेंट कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक सुनवाई नहीं हो रही। लिखित में दस्त अभी आपको दिखा दूंगा, सुनते ही नहीं लोग। AICC में मोतीलाल जी ओरा के साथ ये हमारे मित्र हैं, रमेश सानी जी यहाँ मिले थे, कांग्रेस के ही हैं, लेके गए थे मोतीलाल जी ओरा का, बताइए आप। वो इतने सीनियर हैं मोतीलाल ओरा जी, और मोतीलाल ओरा जी ने लेटर लिख के दिया और इमीडिएटली और इनको आश्वासन दिया कि आपकी बेटी, मैंने चिट्ठी लिख दी है CM साहब से, बात हुई है। अभी एक केस पीछे अभी 2 महीने पहले भी मैंने हैदराबाद का वो लड़की वापस कराई है, आप निश्चिंत होकर यहाँ जाइए। वो ये AICC से वहां से निकले और सीधा जो है सुबह फ्लाइट पकड़ के चले गए, और वहां जाने के बाद ये गए तो पर उनकी भी जो है वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। इवन इतना सीनियर आदमी मोतीलाल वोरा जी, और उनकी एज भी 90-92 के करीब होगी, अगर उन जैसे सीनियर कांग्रेस की भी सुनवाई नहीं है कि CM या उनके जो भी रिलेटिव है जो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इसका कुछ समझ से बाहर है, क्योंकि वो जो उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई। और 7 महीने बहुत बड़ी बात होती है, 7 महीने आप किसी को अपनी कस्टडी में रखो, और रखने के बाद आप जो बोलोगे उसको बोलना पड़ेगा। अगर आप कहोगे कि हम आपकी छोटी बेटी को जो है मार देंगे, उस पर इंतजाम डाल देंगे, या हम उसको जो है तुम्हारे माँ बाप को मार देंगे, तो लड़की डर के मारे क्या करेगी वहां? उस समय वो अपनी अपने को तो कहेगी खुद मर रही है तो मरूंगा, लेकिन दूसरों को मरूं? तो इस तरह के हालात बन गए। 7 महीने बहुत बड़ी बात होती है, 1064 पेपर है, डेली उनके आदमी जाते मिलने, माँ बाप नहीं जा सकते, क्यों? कि उन्होंने अपने माँ ने कौन से पैदा किया। इसलिए आपको क्या लगता है इसमें कोई राजनीति प्रभाव भी होगा? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो वहाँ की पुलिस कानून की धज्जियां उड़ाने में लगी हुई है और शासन प्रशासन जो है मूक दर्शक बना हुआ है, बिल्कुल। क्या कारण है? यही बना हुआ है, वो कभी तो कह देते हैं जी तुम दूसरी पार्टी के, बिंदु प्रसाद के हो, कभी कहते कुछ हो, अरे भाई बेटी का सवाल है, हिंदू है, तो इसमें प्रशासन और वो कहां से आ गया इसमें? किसी की बेटी मतलब जो इस तरह से मतलब आप सर जवाब मैं देता हूँ, बताइए सर। मैं किसी भी पार्टी का नहीं हूँ, ना मेरे को हिंदू मुस्लिम से मतलब है। मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि मैं BJP का आदमी हूँ और RSS का आदमी हूँ। पहली बात तो मैं इन दोनों पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा प्रश्न ये है कि यदि मैं इस पार्टी का सदस्य भी हूँ तो क्या मेरे को अधिकार नहीं है अपनी बेटी की रक्षा करने का? ये कौन कहता है आपसे? यही सब इन्हीं लोगों के पार्टी वाले और इनके प्रशासन वाले। वो कौन सी पार्टी का है? कांग्रेस बट नेचुरल। वो भी कांग्रेस ही है जो बंदा है? उसका तो कोई मतलब ही नहीं होता, जिहादी है उसको, ये है भी नहीं, छत्तीसगढ़ का बाहर का आदमी है। उसका काम सिर्फ लड़कियों को फंसाना और पार करना, फॉरेन में चली जाती है, उनकी किडनियां लीवर सब बेच दिया जाता है, अंग प्रत्यर्पण हो जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है, लव जिहाद करके लड़की को फंसाते हैं और उधर पार्सल कर देते हैं।
तो अब आप क्या चाहते हो, आपने यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप यहाँ किसको ज्ञापन किसको देना चाहते हो? प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं सोई हुई सरकार जो हमारे हैं और आप लोगों के चैनल के, हमारे मुख्यमंत्री बहुत अच्छे आदमी है, वो हमेशा बेटी बचाओ में आगे रहते हैं। उन्होंने मेरी बेटी के लिए जब मैं उनसे मिलने के बोले भी, आईजी को फोन लगा के तत्काल लड़की को छोड़ो, बिना कारण आप लोग कैसे रखे हो, आईजी भी उनकी नहीं सुनता। यानी एक मुख्यमंत्री की बात भी एक आईजी जो पुलिस अधिकारी है, जो कि एक नौकर है जी, वो एक मुख्यमंत्री की बात नहीं सुन रहा है, बिल्कुल नहीं। तो शासन प्रशासन नाम की चीज छत्तीसगढ़ में नहीं है, जंगल राज चल रहा है, जंगल राज से भी बदतर हालत है, मैं बोलता हूँ पाकिस्तान से भी बदतर हालत है। इस मामले को लेकर के आप अमित शाह जी से मिले? अमित शाह जी के पास मैं मिलने का समय मांगा था, लेकिन उनकी उस दिन तबीयत खराब होने का, उन्होंने फोन से मेरे से बात किया और बहुत कम समय दिया उन्होंने, और पूरा अपने बंगले में उन्होंने पूरी फाइल को मेरी रखवाया है और कार्रवाई होगी ऐसा बोला है। साक्षी जी महाराज के पास भी गया था, उन्होंने भी अमित शाह जी को लेटर डाला है, वहां से भी जांच का आश्वासन मिला है। बहुत बड़े जितने हमारे सभी धर्मों के आचार्य, सिर्फ मैं जैन धर्म की बात नहीं, हमारे जैन आचार्य, हिंदू आचार्य सुधांशु जी महाराज, पुलक सागर जी महाराज, सभी ने इस घटना की निंदा की है, बोले ये आपकी बेटी का मामला नहीं है, पूरा देश इस समस्या से परेशान है। और इस बात को जो मैं उठाया हूँ, मेरे को बहुत आशीर्वाद दिया है, नैरोबी में महंत स्वामी नारायण जी हैं, उन्होंने वहां से मेरे को चिट्ठी लिख के आशीर्वाद दिया और आपकी विजय होगी ऐसा आशीर्वाद दिया। ठीक है, मेरा नाम स्वामी दयानंद है, मैं हिंदू महासभा का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और ज्योतिष महासभा का ये अध्यक्ष। तो आप आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हैं और अशोक जी आपके साथ हैं छत्तीसगढ़ से, इनकी बेटी के साथ जो वारदात हुई है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं इनके बेटी के साथ जो ये बर्ताव हुआ वो बहुत घिनौना बर्ताव हुआ, और मैं केंद्र सरकार मोदी सरकार जी को अमित शाह जी से मैं मांग करूंगा कि आप इस पर इमीडिएटली एक्शन लें और इस तरह से हिंदू राष्ट्र में और आपके नेतृत्व में जो आप हिंदुवादी सनातन सब, सबसे बड़ी बात है कि मैं मोदी जी के लिए 3 जग कराया, मैं अभी आपको प्रमाण दे रहा हूँ लिखित प्रमाण, तो मैं 3 जग कराया कि भाई भारत में हिंदुओं का, चूंकि हृदयानी न दगाती दुखा, हिंदू उसको कहते हैं जो किसी को दिल न दुखलाए, और जैन तो उससे भी ज्यादा है, वो तो अपने कीड़ी भी बचा करके आप देखते हैं रात में भोजन नहीं करते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरह का घिनौना घटना जो है, नीच प्रकृति का घटना नहीं होना चाहिए, और ये हिंदुस्तान जैसा हिंदू राष्ट्र में और हिंदू माइंडेड नेतृत्व के अंतर्गत ऐसा चीज हो रहा है, ये बहुत निंदनीय है। आई इमीडिएटली गृह विभाग को एक्शन लेकर के और तत्काल उस लड़की को अशोक जैन जी के हवाले करना चाहिए, ये हमारी मांग है। अशोक जैन जी, आपकी लड़की कितने दिन से गायब है? 7 महीने हो रहे लगभग, 7 महीने 17 मार्च से है, ले गए पुलिस वाले 17 मार्च 2019 से। तो महाराज जी, हमारे देश में जो है केंद्र में भाजपा की सरकार है जी, जो कि अपने आप को हिंदूवादी सरकार कहती है जी जी, तो क्या ऐसी सरकार जो एक लड़की को भी नहीं छोड़ा पा रही है जी जी, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर इस सरकार से बहुत दुखी हूँ। कारण है कि मैं एक हमारे भोजपुरी में कहानी है कि अब मैं उसको कहानी को नहीं कहना चाहता हूँ, उनको दिल में दुख रहेगा। कारण है कि इस हिंदू व्यवस्था में और हिंदुस्तान में हिंदू की सरकार है और सनातन धर्म की संतान है सरकार है, सनातन परंपरा के अंतर्गत इस तरह से अगर निंदनीय घटना होती है तो उसके पूरे समाज पर इफेक्ट पड़ता है और इनकी जो है वोट बैलेंस वोट बैंक भी कम होंगे, और जितने भी इस तरह की घटनाएं हैं उससे हिंदुत्व का मनोबल वो गिरेगा, इसलिए इस पर इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए, मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ। तो इनका एक्शन हो क्यों नहीं रहा है? यही तो ताजुब की बात है, हमको तो आज ये पता चला, मैं हिंदू महासभा का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, इसको बहुत पुरजोर से उठाऊंगा और याद दिलाऊंगा मोदी जी को कि आपके लिए मैं 2013 में भी जग कराया और इस साल मैं 3 जग कराया मोदी जी को कि मोदी जी राष्ट्र में आए, और ये नारा था बीजेपी बार बार, मोदी सरकार कम से कम 4 बार, तो ये तो बहुत दुखद घटना है और इसमें तत्काल शाह जी को और मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए और ये पूरे इसका जो है पार्लियामेंट में धर्मांतरण पर एक जिस तरह से 3 तलाक पर आ सकता है
शेड्यूल कास्ट ट्राइब के ऊपर आ सकता है तो क्या इस पर इमीडिएटली ये कैबिनेट का नहीं आ सकता है कि भाई धर्मांतर कोई भी नहीं कर सकता। अभी अशोक जी ने बताया कि इन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है शासन प्रशासन के माध्यम से भी, लेकिन वहां पर जो है मुख्यमंत्री की बात को भी एक DIG या IG वो नहीं सुन रहा है। उसमें ऐसा है कि मुख्यमंत्री के जो भतीजी है वो उसकी वकील है। अच्छा, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या बात है। इसमें सोचने वाली बात है कि मुख्यमंत्री जी के भतीजी जो है उस मुसलमान के वकील है, जैसे हमारा राम मंदिर में राजीव धवन जी है, ये बात है। तो बहुत की जो संस्था है हिंदू महासभा जी तो वहाँ पर छत्तीसगढ़ में इनके लिए क्या कार्य करेगी? अब हिंदू महासभा का वहाँ छत्तीसगढ़ में भंग है, हम तत्काल हिंदू महासभा के वहाँ पर अध्यक्ष ये मुहैया कराएंगे और वहाँ पर ये चतुर्मास के बाद मतलब दिवाली के बाद देवउत्थान होता है, हम लोग तो देवउत्थान में हम लोग वहाँ पर धनवंतरी में मैं पहले भी जग किया है झंडा गाड़ दूंगा और पूरे हिंदुओं को एकता में पिरो दूंगा। हमारा पूरा जब तक को अंजलि इनकी बिटिया, हम लोग सभी आपकी भी बिटिया है, हम आपके पत्रकार के माध्यम से आप लोग जो है चौथा स्तंभ है, आप लोग देश की आजादी दिलवाई थी और उसी तरह से इस जिहाद से भी आप लोग आजादी दिलवाएंगे और हम आपको पहले निमंत्रण देते हैं कि आप लोग उस जग में आइएगा और ये जग से पहले अगर ये छोड़ देते हैं फिर भी हम जग करेंगे क्योंकि जग हमने ठान लिया है। महाराज जी अंजलि के लिए आप छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ करेंगे? जी एकदम करेंगे, तो हिंदू धर्म करेगा वहाँ पर। मैं तत्काल 2-3 दिन के अंदर मैं वहाँ पर अध्यक्ष निर्धारित करूंगा, हो सकता है कि मैं इन्हीं को अध्यक्ष बना दूं। यानी कि देव उठान के बाद जो है आप ये कार्रवाई शुरू कर देंगे? एकदम निश्चित। थैंक यू। मंगलम हो रही है इतनी बड़ी जिम्मेवारी के बेंच में इतना बड़ा आदेश देने के बावजूद भी प्रशासन वो भी चीफ जस्टिस का आदेश, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जी के आदेश का अवहेलना कर रही है। ये तो न्याय प्रणाली ऐसे तो सरकार को एकदम इसको डिसमिस कर देना चाहिए ऐसा सरकार आया है। क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं, ये हो सकता है ये बहन या बेटी किसी के भी घर की परिवार की हो सकती है, अन्याय के खिलाफ जब आवाज सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है तो उसके ऊपर में उचित नहीं। मैं आपको एक और डालना चाहता हूँ, केरला में 1000 लड़कियां जो है नर्स के नाम पर में दुबई चली गई और सबको किडनी निकाल दिया गया, वहां से पत्र आ रहा है। ये पता नहीं, ये तो अंजलि की सौभाग्य था कि हम लोग जैसा इनके समर्थक मिल गए और तत्काल जो है उस पर और उसकी भाग बहुत प्रबल है क्योंकि वो नवरात्रों में जन्म लिया। मैं बोला था कि कंजिका को हम लोग देवी को पूजा करते हैं, उस तरह से अंजलि मेष राशि स्वामी मंगल है, भगवान उसको महावीर जी गुरु है वही बचाए हैं। आप लोग भी आशीर्वाद दे दिए कि जल्दी अंजलि छूट जाए। आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं सरकार को, हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर अंजलि नहीं छूटी तो ये मुहैया पूरा विश्व में जहां पर हिंदू है सब जगह चलाया जाएगा और हम इसको नेतृत्व करेंगे। ठीक, थैंक यू।